विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत दौरे का न्योता स्वीकार किया। मॉस्को की अपनी दो दिवसीय यात्रा के समापन पर एक वीडियो संदेश में श्रृंगला ने कहा कि उन्होंने रूसी नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच जारी मैत्रीपूर्ण संबंधों में प्रगति की बात भी कही। भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मेरा मॉस्को दौरा काफी सफल रहा। मैंने कई बैठकों और गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसने मुझे संबंधों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण दिया। श्रृंगला ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया भारत दौरे का निमंत्रण रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्वीकार किया है और उनकी जल्द ही भारत दौरे की योजना है। इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि रूस के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों की जड़ें गहरी और ऐतिहासिक हैं, जिससे दोनों देशों के बीच का रिश्ता स्थिरता और भरोसे वाला है। ये मौजूदा दुनिया की जटिलताओं से निकलने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की कि रूस के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग को छोड़ने के लिए भारत अमेरिका के दबाव में। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में आ जाएगा और रूस के साथ S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का करार रद्द कर देगा। आपको बता दें, भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयां खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि इस करार को लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। श्रृंखला ने सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध अपनी खूबियों पर, सभी प्रमुख शक्तियां भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा को पूरी तरह से मान्यता देती हैं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी की जड़ें बहुत गहरी और ऐतिहासिक हैं, जिससे स्थिरता, भरोसा और विश्वास मिलता है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं विशिष्ट रक्षा सौदों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि रूस के साथ हुए सभी करार कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं और हितों के मुताबिक है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।